आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया जिशान। तीन दो अप्रैल दो दो 2016 को फिर फैसला महफूज किया गया अदालत उज्मा ने सत्तावन दिन के बाद फैसला सुनाया और फिर फैसला सुनाने के चौदह दिन के बाद जी आई पाई जिसने बासठ दिनों में उनसठ इजलासों और तेईस गवाहों की मदद से दस से दस वॉल्यूम्स पर मुश्तम चार हज़ार से जायद सफात पर मबनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जिसके मजीद एक हफ्ते के बाद फिर समात हुई और पांच मजीद समातों के बाद अदालत ऊमा ने पानामा केस का फाइनल फैसला आज महफूज कर लिया लेकिन शुरू दिन से लेकर आज तक अदालत को इस बुनियादी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि शरीफ खानदान की आखिर मनी ट्रेल क्या थी जबकि पूरा पानामा केस इस बात पर ही मुनहसर है जिसका जवाब अदालत ऊजमा को नहीं मिल सका आज फैसला महफूज करते हुए अदालत उमा ने कहा कि फैसले में वज़ी अजम की दहली पर भी गौर किया जाएगा आज फैसला महफूज़ किए जाने के बाद फिर वजी अजम हाउस में मुशावरती इजलास भी हुआ जिसमें यह फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को तस्लीम किया जाएगा सवाल यह कि अब होगा क्या मुल्क के सियासी मुस्तबिल पर पानामा केस के फैसले के क्या असर मुरतब होंगे और पानामा केस का मत पक्के फैसला क्या होगा क्या मामला ट्रायल कोर्ट में जाएगा या अदालतमाशन को वजी की दहली का नोटिफिकेशन जारी करने का देगी मतलब की ऑप्शन क्या हो सकती हैं किस किस्म का फैसला आ सकता है इसमें आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे प्रोग्राम में लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ पी टी आई के रहनमा चौधरी सरवर साहब मौजूद हैं बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका कराची से ज़फ़र हिलाली साहब हैं और इस्लामाबाद से शाहिद लतीफ़ साहब हमें जॉइन करें मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया चौर सर्व साहब अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे थे इस्लाबाद से खाबर घुमन ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे थे मुस्लिम लीग नून में दड़ाड़ों की खबरें तो आ रही थी चौधरी निसार की नाराजगी की खबरें भी आ रही थी उन्होंने कल जो मैं को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी उसको पोस्टपन करके उन्होंने संडे को किया और आज ये भी खबर आई कि ख्वाजा साद रफ़ीक उनको मनाने के लिए गए और अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी वो ये था कि चौधरी निसार नून लीग के साथ रहेंगे या राहें जुदा होंगी इसका फैसला होगा पूरी वजी अजम को बनाएगा इसका मतलब कहीं ना कहीं चौधरी निसार ये फैसला कर चुके हैं कि हो सकता है कि वो नून लीग छोड़ दें देखें बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी दो किस्म की आरा पाई जाती है एक आरा ये थी कि हम अदारों के साथ कन्फ्रंटेशन ना करें अदारों को गाई गाली गलोच ना दें और सुप्रीम कोर्ट पे और कंसर्न क्वार्टर्स जो हैं ऐसा हमें नहीं करना चाहिए मुल्क के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको हमें कंट्रावर्शल नहीं बनाना चाहिए और मेरे ख़्याल में उसमें चौरी नसार, नसार ग्रुप जो है वो शामिल है अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो मुझे मुझे यकीन है और मेरा ख़्याल है चौधरी नसार अली खान को भी पता है कि ऐसा प्रिंसिपल्ड आदमी जो अपनी मर्जी का मालिक हो उसको मुस्लिम लीग नून वाले कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने अच्छा ये ये मेरे मेरा अपना व्यू है आई माइट य और ये पार्टियों में पाकिस्तान में बदकस बल्कि दुनिया में ही जो लोग चाहते हैं कि यस पीपल उनके अराउंड हो। तो अब सवाल ये पैदा होता है जिस पे मुझे यकीन है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो इसको भी बनना है अगर चौधरी नसार अली खान की ब्लेसिंग उसके साथ होगी तो फिर वो पार्टी नहीं में लेकिन अगर ब्लेसिंग के हैं देखें असल मसला यह है कि उसकी ख्वाजा आसफ के साथ बोल चाल नहीं है पिछले दिनों आसन इकबाल के साथ भी थोड़ी सी टेंशन जो है वो नज़र आई है लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये पार्टी के लिए सबसे मुश्किल ही यही है कि इन हाउस अगर तब्दीली आनी है तो ऐसे शख्स को नामज़द किया जाए जिसको जो पार्लीमान का सपोर्ट जो है वो हासिल हो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं समझता हूँ कि पार्टी की ये कोशिश होगी कि चौधरी निसार अली ख़ान को नाराज़ ना किया जाए ताकि जो पार्टी में दराड़े हैं वो ना पढ़ सकें और ये एक साल जो है अपना इनका जो टन रहता है उसको पूरा कर सके। और को और को होने का मौका ना मिले जफर साहब बिल आखिर पानामा केस का मत्व... फैसला जो है महफूज हो गया के फैसला क्या हो सकता है पहले दो जजों ने वजिर के खिलाफ फैसला दिया वजह ये थी कि और उनका खानदान कोई मनी ट्रेल पेश नहीं कर सका और अब अगर जी आई टी की बात करें सुप्रीम कोर्ट की बात करें आज तक भी कोई मनी ट्रेल पेश नहीं की गई तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतवक़ फ़ैसला क्या हो सकता है अगर मज़ीद किसी एक जज ने भी इन तीन जजे में से भी एक जज ने भी नायल करार दे दिया तो कहानी खत्म देखिए शाजिया बात तो सही कह रहे हैं आप एक जज दे दिया तो बात ख़त्म हो जाएगी मगर कहने की बात है कि ये क्यों इन्होंने इस फैसला को महफूज किया है आखिर एक साल गुजर गए हैं और आखिरी दिन तक वो कहते रहे कि ये आ, हमें मनी ट्रेल नहीं मिला नहीं मिला तो अगर एक साल गुजर गया है और आखिरी दिन तक आपको मनी ट्रेल नहीं लिया और आपके पास इप्सो फैक्टो दो तीन ऐसे आ, ये हैं सबूत है कि डिसक्वालिफिकेशन इज इमीडिएट मिसाल के तौर पे सेकंड जॉब ये जो दूसरी नौकरी है ये तो इप्सो फैक्टो डिसक्वालिफिकेशन आ जाता है इसमें और तीसरी बात है मैं फॉजरीज पे नहीं जाता इसलिए कि ये जो फॉजरीज का जो केस है ना ये बड़ा मुश्किल होगा उन उनपे प्रूव करने के लिए नवाज शरीफ साहब कभी नहीं कहेंगे कि मैंने इन ऑर्डर दिया कि मेरे लॉयर को कि फौज डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करो या मैंने किसी को कहा कि फौजरी करो वो कभी नहीं उस पर पा जाएंगे उनको कभी आप पकड़ नहीं सकते और ये दूसरी जो बात है शाजिया लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स ये तो पीपीसी में कोई चार्ज ही नहीं है ये तो सिर्फ नैब का है और अगर मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कौशन करना चाहता हूं अगर बच्चों का केस आ, नैप को गया और अप, उनका अपना केस ईसी को रिफर किया ये दोनों इदारे जो हैं दे आर होपलेसली पोलिटिस होपलेसली कॉम्प्रोमाइज इन्होंने वो फैसला नहीं देना है जो हम समझते हैं फैसला होना चाहिए तो मुझे अभी तक बहुत तहफसात हैं और इसलिए कि मैं हैरान हो गया जब कोर्ट ने इमीजली एक शॉर्ट ऑर्डर दे के कम से कम शादिया उनको कहते आप बदतरफ हो जाए आखिर क्या और प्रूफ वो चाहते हैं है ही नहीं और प्रूफ है ही नहीं और जो है अगर इफ़ दैट इज नॉट सफिशिएंट तो फिर आपको और तो नहीं मिलेगा फाइनली ये जो फाइल नंबर टेन खुला था मुझे कहा गया है कि तीन सफ़ों के बाद इनके अपने लॉयर्स ने कहा ये बस बस बहुत शुक्रिया बेहतर होगा अगर ये फाइल आप बंदी रखें ये सिर्फ वजी के वकील को दिखाया गया दूसरी उसी उन्हीं को दी गई दस्तावेज जी तीन पेजेस के बाद सुना है ऐसे रूम मैं नहीं कहता ये सफा है वो तीन पेज पढ़ने के बाद उन्होंने कहा इसलिए ऐसे खौफनाक चीजें हैं उस फाइल में ऐसे फॉरेन फॉरेन प्रेशर्स हैं और फॉरेन ये हुआ है कि माने के आई डोंट नो फ्रेंकली मुझे तो अब मैं मैं भी बड़ा खुश था एक दिन फॉरन इनको आपने क्वेश्चन नहीं किया प्राइम मिनिस्टर को आपको पता है कि तीस साल से वो एक दिन इंटेगेशन नहीं हुआ है उनतीस केसेस खुले हुए हैं उनके खिलाफ इस वक्त उनतीस केसेस पेश हुए ना कंफ्यूज कंफ्यूजन नहीं बारह जे आई टी में केस हुए मगर ये इंटेरीगेशन था कुछ नहीं था जी वो तो उनको बिठा के उन्होंने एक लेक्चर पिला दिया जे वालों को और फिर निकल गए कहने लगे मुझे तो पता ही नहीं तुम क्या पूछ रहे हो इज दैट इंटेरीगेशन बिल्कुल नहीं देखिए माफ करिए सेक्रेटरीज और फेडरल सेक्रेटरीज जब इंटेरीगेट हुए हैं अफसोस से कहना पड़ता है उनको तो उल्टा लटका देते हैं ठीक है थीक दार साहब को वो वादा माफ गवाह ऐसे ही बन गए उनकी भी काफी स्ट्रिक्ट इंटेगेशन हुई इनसे तो एक दिन भी सवाल नहीं पूछा गया तो हम क्यों समझते हैं कि सडनली ये जो इने, इनका ये जो एटमोसफियर है ये इतना बदल गया है कि वो आप डिस्कालीफाई हो जाएंगे अच्छा फाइनली मैं आपको कहूं बुकीज़ जो है जो शर्त लगाते हैं रोज आ, आ, लोग जो शर्त लगाते हैं आज फिफ्टी फिफ्टी है तो क्यों ये कॉन्फिडेंस के इनको पकड़े जाएंगे और इनको सजा मिलेगा सही ठीक है मुझे ब्रेक लेने दे ब्रेक के बाद वापस आएंगे करेंगे कि फैसला तो महफूज हो गया क्या वजीम महफूज़ रह पाएंगे क्योंकि आज भी शरीफ ख़ानदान यही कहता है कि जी आई टी वजी अजम पर करप्शन के इज़ामात को अभी तक साबित नहीं कर पाई लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि शरीफ खानदान भी तो मनी फेन नहीं पेश कर सका छोटे से वक्त तो ब्रेक के बाद खुशा मदद शाह लतीफ़ साहब दौरान तहकीक़त यह भी इंकशाफ हुआ कि वजी अजम और उनकी फैमिली ने जाली दस्तावेज़ा जमा करवाई सलमान अक्रम राजा साहब से भी जज साहब ने कहा कि आपसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की दस्तावेज़ा जमा कराई जाएंगी मनी ट्रेल शरीफ खानदान पेश नहीं कर सका वजे अजम कामा देख लें जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वजीम की नाई के लिए तो इनका अहमे काफ़ी के इसके अलावा भी कोई वाज़ बूत और क्या हो सकते हैं मतवक़ फ़ैसला क्या हो सकता है इन सबूतों को देख कर देखें जी पहली बात तो यह है कि मैं ीती तौर पर बहुत पुर उम्मीद हूँ कि इसका फ़ैसला जल्द आने वाला है और अगर आप जे आई टी की रिपोर्ट के बाद की कार्रवाई देखें जो तकरीबन पाँच सेशन्स पर मबनी है तो उसमें सिर्फ आप जज साहबान के जो रिमार्क्स हैं उनको सामने रख लें मैं समझता हूँ कि केस की नोयत और केस का फैसला बहुत आ, अच्छी तरह उभर कर हमारे सामने आ जाएगा यानी कौन सा जुर्म है जिसके बारे में जज साहबान ने बात नहीं की तो उनके जो रिमार्क्स हैं और जिसके अंदर यानी शुरू कहाँ से हुआ था वो भी आप देख लीजिए इस तरह के अलफाज इस्तेमाल किए आम तौर पर जज साहबान ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते जिस पर तनकीद भी बहुत हुई यानी गॉड फादर कहना सिसिलियन माफिया कहना ये क्या जाहिर करता है ये उनका मायूसी का इजहार है ना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत ही तारीख़ साज़ दौर से गुजर रहा है सुप्रीम कोर्ट ने जो अब तक रोल अदा किया है वो मैं समझता हूँ कि नहायती काबिल सताइश है और याद है आपको कि हमें वो वक्त नहीं भूलना चाहिए जब पार्लियामेंट में बैठ के बड़े बड़े अहदेदार जो हुकूमत के हैं कोई कहता था कि ये ये क्या तमाशा है ये जो पनामा लीक्स है किसी को इसको पजामा लीक्स कहता था कोई इसको अफसाना कहता था कोई कहता था ये किस्सा पारीना हो जाएगा चंद दिन में ये भूल जाएगा आज आज लोग जो इस्तीफा मांग रहे हैं हैं इनकी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स कि ये पीटीआई जो है ना वो इमेचोरिटी है इनकी सियासत में क्या इशू लेकर ये लोग चल रहे हैं और आज वो ही इसका क्रेडिट ले रहे हैं ये पीपल्स पार्टी के ऑन रिकॉर्ड बयान आते हैं वो इसलिए है कि देखे ना जी वो जो सक्सेस होती है उसके फिर बहुत सारे फादर है। जो हैं वो पैदा हो जाते हैं सक्सेस तो दावेदार हो जाते हैं तो इसलिए मैं मैं हाँ जो जो ऑर्फन होते हैं उनका फिर कोई साथ नहीं देता तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ नाकामी जो होती है वो ऑर्फन हुआ करती है तो मकसद यह है मैं ये कहना चाहता हूं आ, मैं तारीफ कर रहा हूं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी आ, बड़ी मैं समझता हूं कि बड़ी आ, बड़ी हिम्मत से यह सारा काम जो है वो इसको यहां तक लेकर आए फिर जिस तरह जे ने इतना बड़ा काम किया तो लिहाजा हमें हरगिज यह नहीं कहना चाहिए कि जी ये जो इस वक्त स्टेज आ गया है कहीं ऐसे तो नहीं कि उनके इरादे कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे ऐसा नजर नहीं आता मुझे यह लग रहा है कि पूरी पूरी जो इस वक्त तक सिचुएशन बन चुकी है और ख़ासकर जो मामला है डिस्कवालीफिकेशन का वो तो बिल्कुल दीवार पे लिखा हुआ नजर आने लग गया है जहाँ तक अब ये सिलसिला इस वक्त बन रहा है कि जी डिसिफ़िकेशन का मामला क्या इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाए और फिर जो फौजदारी मामले हैं जिसके अंदर खुर्द बुर्द हुई है वो जो क्रिमिनल मामले हैं उनको नैब में भेजा जाए यहां बिल्कुल मेरे की और भी तो मैं उसी की तरफ इशारा करना चाहता हूं जी... कि यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने खुद कहा था कि ये तो सारे इदारे मफलूज हो गए नैब एफ बी आर एफ आई ए तो आज वो नैब को कैसे भेज सकते हैं यानी खुद ही अभी कुछ देर पहले की बात है कि कहा कि उनके जनाजे उठ गए तो उनको भेजने का मतलब तो फिर यही हुआ कि जो इतनी मेहनत की साल से भी ज्यादा वक्त गुजर गया उस सारी मेहनत को आप रायगां करना चाहते हैं लिहाजा मैं कह रहा हूं कि हमें पूरी उम्मीद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जिसने इतनी मेहनत की है जो जे ने इतनी मेहनत की है जो जान जोखों का काम था इतने सारे सबूत इतने सारे दस्तावेजा जो जैली थे और वो भी उन्होंने अपने बयान में कह दिया जज साहबान के बयाना है उन्होंने कल परसों कहा कि जज साहब थे उन्होंने कहा जी मेरा तो दिल टूट गया यानी इतनी जालसाजी से काम लिया गया तो क्या ये सारे के सारे रिमार्क्स बेमानी तो नहीं हो सकते ऑन रिकॉर्ड है जज साहब जो आमतौर पर कानूनी जुबान इस्तेमाल किया करते हैं उन्होंने ये सारे रिमार्क्स दिए तो लिहाजा हमें पूरी उम्मीद रखनी चाहिए हाँ अलबत् जरूर इस वक्त हमारी इस्तद होगी कि अगर इसका नतीजा भी उतना ही अच्छा निकालना है जितनी मेहनत इस पूरे मामले में हुई है तो ये सुप्रीम कोर्ट को गो उनके इख्तियार में है ये डिस्कालीफिकेशन वाला मामला वन के तहत और जहां तक तो मामला है वो जो जहां तक मामला क्रिमिनल एलिमेंट का है मैं समझता हूं कि हरगिज वो नैब के पास नहीं जाना चाहिए और ये भी उनके एक जज साहब जो हैं उनके रिमार्क्स में शामिल है कि हम फैसला करेंगे कि क्या इसको वहां जाना चाहिए इसका मतलब ये हुआ कि वो इंक्लाइंड नहीं है तो लिहाजा मेरा मैं समझता हूं कि अभी तक जो रिमार्क्स हैं अभी तक जो पेशर रफ्त है वो बिल्कुल सही रुख की तरफ चल रही है और हमें पूरी उम्मीद रखना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्शियस है

पाकिस्तान के बीस करोड़ आवाम को एक तो पैदा हुई हैं कि इस मुल्क में भी सत्तर साल बाद कोई एहतसाब का निज़ाम शुरू हुआ है और इसमें जे आई टी ने बड़ी मेहनत की है ग्रेड नाइनटीन और टेंटी ऑफ़िस के लिए इतना प्रेशर लेना इतनी धमकियाँ बर्दाश्त करना अपने बच्चों को रिस्क पे एक्सपोज करना ये मामूली बात नहीं थी उसके बाद दो जजेस का इनको गिल्टी करार देना उसके बाद तीन जजेस का फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जे को बनाना और फिर जो जजेस की ऑब्जर्वेशंस हैं जजेस ये बात बार बार कह रहे हैं कि मनी ट्रेल जो हम मांग रहे हैं पिछले पंद्रह महीने से चौदह महीने से वो हमें शरीफ फैमिली देने में नाकाम रही है फिर जजेस कह रहे हैं ये एलिगेशन ही है जजेस कह रहे हैं कि जाली दस्तावेजात हमारे सामने पेश हुए हैं हमारा दिल टूट गया है और और उनको उम्मीद नहीं थी कि वकला जो हैं नून के वो ऐसी दस्तावेज जो हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की अदालत उज्म है और वहाँ पर जाली दस्तावेज का जाना आप अंदाज़ा कर लें कि ये कितनी खौफनाक बात है तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मायूसी वाली कोई बात नहीं है अगर जजेज ने अपने फैसले को पेंडिंग रखा है तो अगले हफ्ते तक इसके रिजल्ट आ जाएंगे लेकिन जहां तक नैब को भेजने का तल्लक है इलेक्शन कमीशन को भेजने का तल्लक है एफआईओ को भेजने का तल्लक है तो ये तो, तो इन अदारों के बारे में तो कह चुके हैं कि इन्होंने इधारों ने तो सत्तर साल इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है देखें अगर इन अधारों में जान होती तो ये तीन या चार अप्रैल से जब से पनामा का किस्सा शुरू हुआ है चार सौ लोगों के नाम पनामा में आए हैं मुझे बता दें कि किसी एक अदारे ने चाहे वो एफ आई ए है चाहे वो नैब है चाहे वो एफ बी आर है

अगर पाँच सात हज़ार रुपए का फ्रॉड करता है तो वो चार्ज भी नहीं होता प्रोसिक्यूट होना कन्विक्ट होना तो और बात है और बरतानिया में छः से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ पाँच दस हज़ार की करप्शन पे चार्ज हुए हैं प्रोसिक्यूट हुए हैं कन्विक्ट हुए हैं और तीन तीन चार चार साल जेल में गए हैं इसलिए कि वहाँ के, के जजेस ये कहते हैं कि पॉलिटिशन शुड बी वाइटर देन वाइट पॉलिटिशियंस की तरफ देख कर लोगों ने अपने किरदार को बनाना है, है लेकिन ये है। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि भाई किसने करना है एहतसाब एहतसाब तो पॉलिटिशियन जो है उन्होंने आर्मी का के जो जर्नैल हैं उनका भी करना है सब के सामने आप आजादी जरूर है तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ पॉलिटिशियन का एहतसाब हो रहा है बाकी मैं तो कहता हूँ किसी का भी यहाँ एहतसाब नहीं हुआ है आज तक नहीं हुआ लेकिन आज अगर डिफाइनिंग मोमेंट है इस देशन के लिए एक टर्निंग पॉइंट है मैं समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर से एहतसाब का मसला शुरू हुआ है हुँ हुँ हुँ. तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क से लोगों को आज उम्मीदें जो बिल्कुल लोग उम्मीदें अपनी खोए बैठे थे अब लोगों को उम्मीदें वापसता हुई हैं तो इस मुल्क में भी रूल ऑफ लॉ आने वाला है इस मुल्क में भी बड़े लोगों का एहतसाब जो है वो पॉसिबल है और मुझे यकीन है कि ये एहतसाब का जब ये काम शुरू होगा

ये क्या हो रहा है पीपल्स पार्टी ने भी शिक्षी टू, शिक्षी शिक्षी खत्म करने का कर दी। और लगड़ा लूला पार्लियामेंट जो है जो शायद कैसे इलेक्ट हुआ वो भी बड़ा क्वेश्चने ये भी एक साल और चले हालांकि जब एक पूरी पार्टी डिकैपिटेट हो जाती है उसका लीडरशिप अगर चले जाता है तो अमूमन उनको कहना चाहिए कि हम नए इलेक्शंस चाहेंगे। मगर मैं देखिए मैं सिर्फ एक एक एक, एक इम्प्रेशन आप शायद हो कि मैं खुश नहीं हूँ मैं बहुत खुश हूँ आई एम एस्थेटिक कि ये हुआ है ये डेवलपमेंट और इन लोग फाइनली लगता ऐसा है कि हमें इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा मगर मेरे जो तो तहफा हैं मैं एक फिर एक दफ़े कहूँ कि आपके ख्याल में ये मनी ट्रेल किसी को पता नहीं है आपके ख्याल में ये नहीं पता था कि ये करप्ट है सबको पता था कि करप्ट है मैंने तो माफ करिए अभी भी मैं आपको पैदा कर सकता हूं एक ए, ए, एक छः फुट का लिस्ट बैंक अकाउंट नंबर्स इनके किधर किधर हैं किस मुल्क में हैं और कौन सी प्रॉपर्टी इनकी है और किधर है क्या ये हमारे लोगों को पता नहीं था क्या आज ये आके इस मामले को हमने फैसला करना था माने कि तीस साल से कोई किसी चीज को पकड़ा ही नहीं इंटरेगेट नहीं किया पूछा ही नहीं ग्यारह साल नवाज़ आसिफ जद्दारी साहब को जेल में रखा और उसे कुछ नहीं हासिल किया तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं सबको पता है मनी ट्रेल मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं जब सबको पता है किस तरीके से पैसे जाते हैं तो मैं ये पूछना चाहता था कि क्यों नहीं फॉर रन भाई जिलानी साहब को तो आप पांच सेकंड में डिस्कवालीफाई कर दे पंद्रह मिनट में उसको डिस्कवालीफाई हो गया और निकल गया वाई क्या आप समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब को तो आपदे तो, से ना हो तो, तो, तो निकाले का मसला सबूतों की बात है दस्तावेजात चल रही है ये अदालत फौजरी फौजरी शाजिया फौजरी जो है सबसे बड़ा तो ही नहीं अदालत है बहरहाल चलिए आप, आपने खुद कहा ये, ये ब्रोक एक, एक जज ने कहा इट ब्रोक्स माय हार्ट मैं खुद शर्मिंदा हो गया कि ये गुल्लू बट के ये गुल्लू बट के गवाल मंडी के दुकानों से ये डॉक्यूमेंट्स लेके सुप्रीम कोर्ट को पेश कर रहे हैं और समझते हैं कि जजेस इतने बेकार लोग हैं कि वो मान जाएंगे इट इज़ एन इंसल्ट टू द जुडिशरी ऑफ कॉर्ट बहरहाल मैं सिर्फ आपको ये कहना ए, चाहता ए, 62, ए, 63 खत्म होना चाहिए क्यों क्यों भाई क्यों खत्म होना चाहिए मैं समझ नहीं आ रही है मुझे अगर आप क्या दगाबाजों को इलेक्ट करके आप कहना चाहते हैं हमारा ता, ताकत है वी कैन इलेक्ट हु वी वांट इवन इफ ही इज अ वैसे आप को इलेक्ट करते हैं दस्ती साहब ने पता नहीं कितने दफे मान गए चोरी हुई है बार बार जाके लोग उसको री एलेक्ट करते हैं इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तान की इलेक्ट्रेड आर नॉट विक्टिम्स ऑफ देयर लीडर्स दे आर अ कम्पले वो तो जाके उनको बार बार इलेक्ट करते रहते हैं तो मैं नहीं समझता 62, 63 बड़ी अच्छी बात है। मैं तो सोचता था 58, भी बड़ी अच्छी बात थी बहरहाल अब वो नहीं है और यह सिक्सटी टू कामयाब नहीं हो पीपल्स पार्टी क्यों चाह रही है ए एन पी एम भी उनकी सपोर्ट कर रही है देखिए जी कुदरती बात है वो जो आप अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि ये माजी में क्या किसी का कोई एहत हुआ ये जरदारी साहब जो कहते हैं जी मैं ग्यारह साल जेलें मैंने भुगती और न जाने अदालतों के सामने जाता रहा हमें नहीं मालूम कि वो कितनी तो अदालत के सामने गए हर मरतब बीमारी का बहाना करके वो तो अदालत जाते ही नहीं थे तो कौन सी अदालतें जो हैं उनका इन्होंने सामना किया कौन सी जेलें भुगती हमें मालूम है कि वो कहाँ रहते थे किस तरीके से रहते थे तो ये तो सारे का सारा एक फ़्रॉड है तो माजी में बिल्कुल एहतसाब नाम की चीज़ दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आई मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमें पुरुद होना चाहिए कि ये एक जो मामला इस मरतबा शुरू हुआ है और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू आउट इसमें अपना किरदार अदा किया है और देखें थ्रू आउट जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस था उन्होंने शुरू में क्या कहा था उन्होंने कहा था कि यह एहतसाब के इदारे जो हैं असल में उनका काम था और सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये इदारे जो हैं इन्होंने तो एहतसाब का बेड़ा गर्क कर दिया तभी उन्होंने कहा था ना कि इनका जनाजा निकल चुका और फिर उन्होंने कहा कि हमने बहालत मजबूरी ये केस पकड़ा है वरना ये सुप्रीम कोर्ट की डोमेन नहीं थी एहतसाब करना उनका काम नहीं था तो जब सुप्रीम कोर्ट ने एक काम को पकड़ा नजर आ गया कि एक गैर मामूली हालात के तहत उन्हें यह काम बहालत मजबूरी पकड़ना पड़ा और आज हम बड़े फखर से कह सकते हैं कि अगर उन्होंने यह काम पकड़ा तो इसको खाम खा जो है वो लेफ्ट राइट करने के लिए नहीं पकड़ा इसमें उन्होंने अपना पूरा हक अदा किया और खासकर फिर जब जे का मामला आया तो आपको याद है फिर मिठाइयां बटी यानी एक तरफ फता जो है उसका जश्न का ऐलान कर दिया गया उनको शायद यह नजर आने लगा कि यह जो जे है जब बनेगी तो उनके मतहत इधारों के लोग आएंगे ये उनको दबाने में कामयाब हो जाएंगे वो भी नहीं हुआ इसलिए मैंने कहा कि इस मुल्क में एक तारीख रकम होने जा रही है मैं सौ फीसद इस बात से अग्री करता हूं कि जो हमारे सत्तर साल तारीख है इस मुल्क की वो इतनी भयानक है पहले साहब से भी किसी ने नहीं पूछा ना पांच सालों में नौ मिलियन से आठ सौ मिलियन आपके मुल्क की असासे हो तो अच्छी होने की नवीद सुनाते हैं कैसे अच्छी हो गई बढ़ गई कैसे बढ़ गई और और वो जो हदबिया मेल का मामला था उसको भी ठप करके रख दिया गया और जब नैब से सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप हायर कोर्ट क्यों नहीं गए उन्होंने इनकार कर दिया कि हम गए भी नहीं हम जाएंगे भी नहीं यानी अदालत आलिया के सामने इस तरह का रवैया इख्तियार करना यह है हालत हमारे इदारों की तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी पावर जो है वो जाहिर की है यही इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का यही स्टेटस है सुप्रीम कोर्ट का इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं अब उन्हें चाहिए कि इसकी नाले में डबो दिया तो मैं नहीं समझता ऐसा होने जा रहा है जज साहिबान के रिमार्क्स जो हैं वो बहुत हौसला अफजा हैं जेआईटी का काम जो है वो बहुत हौसला अफजा है उनके सामने सारे सबूत रोजे रोशन की तरह आ चुके हैं जिसका उन्होंने जिक्र भी कर दिया तो लिहाजा उनके बयान की रोशनी में जो काम हुआ है उसकी रोशनी में मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि ये जो एक पहिया एहतसाब का इस मुल्क में चलने जा रहा है इन शाह इसमें हम कामयाब होंगे ताकि इस मुल्क का रुख बदला जा सके और हम उस तबाही जिस जिसमें हम सत्तर साल से हैं, उससे हम आइंदा के लिए ठीक बच है, है चलो सब यकीन आपकी पार्टी तो रिजिस्ट करेगी कि सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री को ख़त्म किया जाए देखिए मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि एक तवील जद्दोजहद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करप्शन के ख़िलाफ़ और तहरीक इसाफ़ की जद्दोजहद की वजह से ही ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है और उसके बाद मैं समझता हूँ कि यह बड़ी हौसला अफजा बात है कि जो पाकिस्तान के अवाम कहते हैं वही बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो मासेस से डिसकनेक्ट नहीं हैं जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमतें जो हैं वो मासीस से डिसकनेक्ट हैं जजेस की ऑब्जर्वेशन से एक बात वाज होती है कि उनको पता है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि तमाम अदारे मफलूज हो गए हैं उन्होंने एफ़ आई ए का, का कहा बारे उन्होंने नैब का कहा उन्होंने एफ बी आर का कहा उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि साहब के असासे जो हैं नाइन मिलियन से एट हंड्रेड मिलियन एट हंड्रेड नाइनटी मिलियन मिलियन कैसे गए कैसे हुई हैं ये टाइम्स टाइम्स बनते हैं तो ये सारी चीजें जो हैं फिर जजेस ने कहा कि जब उनसे पैसों का पूछा जाता है वो कहते हैं अपने बेटे को कर्जा हंसना दिया हुआ बस मुझे तो ये नहीं समझ आती कि देखिए एक बात ये है कि सारी दुनिया में एक असूल है कि जब आप कोई कारोबार शुरू करते हैं आप दस रुपए से शुरू देखो ना बरतानिया में जितने भी लोग गए हैं वो यहाँ से कोई पैसा नहीं लेके गए लेकिन वहाँ उन्होंने अपना काम पहले किसी के मज़दूरी की काम किया मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल देता हूँ पहले मैं मार्केटें लगाता था किसी की दुकान में काम करता था उससे कुछ पैसे आए तो फिर हमने कॉर्नर शॉप बनाई फिर मार्केट पे घर लिया फिर आस्ता आस्ता तीस सालों में अपना बिजनेस जो है डिवेल्प किया।, है किया अगर हमसे कोई पूछे कि तीस सालों का रिकॉर्ड दे तो वहाँ का रिकार्ड मौजूद है और जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं एक बात मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी का कोई इशू नहीं है चार फ्लैट हैं उन चारों फ्लैट्स की टाइटल डीड जो हैं वो इनके वकील के पास होंगी और 24 घंटे के नोटिस पे नहीं है अगर आप जाएं वकील के दफ्तर में उनको को मुझे टाइटल डीड दे दें और वो अगर टाइटल डीड लेके सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ले आते तो मामला सारा खत्म हो जाता कि किस ईयर में ये खरीदे किसने खरीदे कितने पैसे ख़रीदे लेकिन असल बात यह है कि मनी ट्रेल जो जज साहबान मांग रहे हैं वो मनी ट्रेल उनको नहीं मिली है जज साहबान बार बार कह रहे हैं और इसलिए एक बात और भी उन्होंने कह दिया कि ये फैसला करना डिस्कालीफिकेशन का ट्रायल कोर्ट में बैठा उसका इख्तियार उनके पास है सही जो कि मैं समझता हूं ये एक हौसला अफजा ब्रेक का टाइम है ब्रेक पर जाने से पहले मैं वो देना चाहती हूँ एक साल पहले जब ये मामला शुरू हुआ तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौम से खिताब करते हुए क्या कहा था और फिर ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि कल एक साल के बाद प्राइम मिनिस्टर के सोच क्या है ख़यालात क्या है प्लीज़ उमर ज़रा प्ले कीजिए कमीशन की तहकीकात के नतीजे में मुझ पर कोई इल्ज़ाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की तखिर के बगैर घर चला जाऊंगा कल उन्होंने क्या कहा यह आपको दिखाऊंगी एक वक्त के बाद ब्रेक के बाद खुश उमर जरा प्ले कीजिए कि कल अपर दीर में क्या आ, आ, आवाम इज्तम से खिताब करते हुए क्या फरमाया प्राइम मिनिस्टर साहब ने मैं बताना चाहता हूँ ये जे को भी बताना चाहता हूँ ये पीटीआई को भी बताना चाहता हूँ ये इन तमाम सियासतदानों को कहना चाहता हूँ इस एहतसाब को कोई नहीं मानेगा ये इस्तेसाल है ये नहीं है। हिलाली साहब एक साल पहले तक आप रिजाइन करके इज्जत से घर जाने को भी तैयार थे और कल आप कह रहे हैं कि ये एहतसाब नहीं है ये एहतसाल है इस एहतसाब को कोई नहीं मानेगा कि क्या मैसेज दे रहे हैं और किसको मैसेज दे रहे हैं आप ये चाची अब मुझे बड़ा बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि आप कभी कभी डिस्क्राइब करते हैं कि वो शहबाज शरीफ ने एक ज़माने में क्या करता था कि जरदारी साहब का पेट चीर के क्या क्या निकालेगा बड़ा अच्छा तरीके से वो कहती है इनको थोड़ा बहुत हाँ <laughs> तो मेरे ख्याल में ये वही वही यही वही एक चीज़ है ये दोनों भाइयों का ये है एक एक ट्रेट ये भूल जाते हैं जो पहले कहते हैं ये धमकियां भूल जाते हैं इनको देखिए ये जो क्रिटिसिज्म ये माने कि माय गॉड मैं आपको क्या बताऊं ये ये भुट्टोज के बारे में ये क्या कहते थे और फिर बाद में जब भुट्टोस को मिलते थे उनके साथ कैसे इनका क्या रवैया होता था और ये तो छोड़े मेरे ख्याल में ये हम क्यों इनकी इनकन के, के साथ भुट्टो के साथ आज कह रहे हैं भुट्टो के साथ एब्सोल्युटली करेक्टली वो तो सुना ये है कि ये जो एडिट एडिट किया था इस तकरीर को वो रोने भी लग गए थे सुना आंसू भी गिर रहे थे उनके इस तकरीर में और ये तकरीर में जिस किस्म का अटैक उन्होंने लॉन्च किया था जे आई टी पे इनडायरेक्टली इट वॉज एन अटैक ऑन दी ऑन द सुप्रीम कोर्ट और ऑलमोस्ट जैसे मैंने उस दिन कहा था ऑलमोस्ट उन्होंने कहा कि ये नहीं मानेंगे लोग नहीं मानेंगे एक्चुअली उन्होंने कहा कि कोई नहीं मानेगा कोई नहीं मानेगा माने नहीं मानना चाहिए और मैं भी नहीं मानूंगा इसका मतलब बेसिकली जैसे मैंने कल कहा था ये भगावत है बट uh, ये is, इनका ही इमोशनल इनके इनका टेंशन बहुत हाई हुआ है ये देख रहे हैं इन शाह क्या होने वाला है वेरी शॉर्टली तो मेरे ख्याल में इन इनके इमोशनल रिमार्क्स को क्या हम डिबेट करें इस पर क्या अहमियत दें लेकिन एक सोच तो उभर कर सामने आती है ना शायद लतीफ साहब के कल तक आप इस्तीफ़ा देने वाले थे और आज कह रहे हैं एहतसाब नहीं एहतिसाल है ये कि क्या मैसेज दे रहे हैं आपके अगर फैसला उनके खिलाफ आया जैसा कि चौधरी निसार के भी आपने प्रोग्राम शुरू होने से देखा ब्रेकिंग आपने देखी कि उनकी राहें जुदा होंगी साथ होंगी इसका फैसला बुरी वजी अजम पर होगा कल प्राइम मिनिस्टर साहब की ये सोच सामने आगी कहीं ना कहीं तो इनको ये खौफ पैदा हो चुका है जी की रिपोर्ट के बाद और सुप्रीम कोर्ट में पिछले पाँच दिनों से समाज चल रही है कि फैसला शायद इनके खिलाफ आए जिसकी वजह से इस तरह के बयान आ रहे हैं देखिए जी बात यह है ये खौफ की बात नहीं है मैं समझता हूँ कि अंदर से उन्हें सारी चीज़ मालूम है अच्छा। इसी बात का जवाब नहीं दे सके जज साहबान ने बार बार कह दिया कि हम तक वो चीज़ हरगिज नहीं पहुंची जो हम मांग रहे हैं हम, हम हमारे पास मनी ट्रे मनी ट्रेस का हिसाब नहीं पहुंचा जो चीजें जमा कराई गई वो जैली थी यानी कौन कौन सा जुर्म है जो इन्होंने कमिट नहीं किया तो जब ये सारे पैगाम पहुंच चुके तो फिर बताएं कि फैसले के बारे में क्या उसके अंजाम तक सोचना क्या कोई मुश्किल बात है तो ये तो नजर आ रहा है उनको ना दीवार पे जो लिखा हुआ है जहां तक बयान की बात है देखें शहबाज शरीफ साहब जो हैं आपको याद होगा ना कि वो जो मॉडल टाउन का मामला था उसमें उनका क्या बयान था कि मेरे ऊपर अगर एक भी उंगली उठी मैं इस्तीफा दे, तो दे दूंगा मैं तो चला जाऊंगा मैं नहीं बैठूंगा रिजाइन कर दूंगा तो वो जो नजफी साहब की रिपोर्ट थी उसको गायब कर दिया गया कुछ दिन वो इंटरनेट पर रही उन्होंने ब्लेम कर दिया था तो उससे बचने के लिए वो रिपोर्ट ही गायब कर दी फिर वो बिजली वाले जो किस्से थे कि छः महीने में ना दूं तो नाम बदल देना साल बाद ना दूं तो पता नहीं कुछ और कर देना डेढ़ साल बाद वो किधर गए सारी की सारी बातें फिर इस तरह की बातें कर देना कि जी जे आई टी जो है वो अवाम कह रही है कि जे आई टी जो है वो जानबदार है और उस पर उनका एतमाद नहीं कौन से आवाम का एतमाद नहीं सिवाय हुकूमत के अरकान के आपने जे आई टी पर तनकीद किसी और से सुनी आप भी मीडिया में है बताइए कि मीडिया के कौन से सेक्शन में आम लोग जो हैं इस मुल्क के उनकी तरफ से गैर गैरमादी या बेअमादी का इजहार किया गया तो इस तरह के नारे लगा देने कि अवाम जो है वो इसके एहत्या तो तो इस कारमुल और, और बर्दाश्त का मुजाहरा किया जिस तरह के इन लोगों की जानब से बयान आते रहे सारे अवाम ने यही बात की है तो स्तान के 20 करोड़ अवाम एक तरफ और ये जो अवाम के नुमाइंदे हैं ये तो दरअसल अवाम की आवाज इनसे आनी चाहिए ये आवाम की आवाज नहीं है ये इनके अपनी आवाज है ये उस बादशाह की आवाज है जो रिवाज हमने कायम रखा है आ, कर रखा है तो मैं समझता हूं कि ये सारे नारेबाजी है और इसी को फिर ये कह देते हैं जब इनसे सवाल किया जाता है कि जनाब आपने फलां वक्त यह बात की थी आप तो उस पर पूरा नहीं उतरे तो कह दिया जाता है ये तो सियासी बयान था यानी जो झूठ बोला जाए वो सियासी बयान है तो लिहाजा इसमें ये अपने आप को तिफल तसलियां देने वाली बात है जो दीवार पे लिखी हुई चीजें हैं वो नजर आना शुरू हो चुकी हैं और उसी के तहत इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं इन बयान का कोई मतलब नहीं है अवाम का नाम लेके कहना सरासर ज्यादी है अवाम हरगिज ऐसे जज्बात के पीछे नहीं है अवाम जो है जिस तरह उनको लूटा गया सत्तर साल से आज तो वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि कम कम घेरा तंग किया जा रहा है इन लोगों के खिलाफ और एक सिम जो है इस मुल्क की बदलने जा रही है अवाम तो शुक्राना अदा कर रहे हैं आप आम लोगों की बात करें किसी से पूछ लें एक सर्वे करवा लें रेफरेंडम करवा लें आपको अवाम की जो फीलिंग्स है वो सामने नजर आ जाएंगी कहा जा रहा है कि यही वक्त है कि अगर है, अब एहत हो गया तो पाकिस्तान की तारीख बन जाएगी अब वक्त है कि अगर एहतियाल हो गई अदरवाइज रोती रहेगी और पाकिस्तान में कभी एहताल कायम नहीं हो सकती यही वक्त है कि कौन को इंसाफ मिले जी इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने और उसके बाद जी आई ने काम किया गैर मामूली है अनप्रेसिडेंटेड है पूरी सत्तर साल तारीख में हमारे इसकी मिसाल नहीं मिलती और आखिर दम तक आज भी जब केस क्लोज हुआ है तो उनके रिमार्क्स आप एक एक करके ए, सामने चला दीजिए उससे आपको इतनी हौसला अफजा बातें नजर आएंगी कि उन्होंने ठान लिया है कि बहुत हो गया ये इस मुल्क में जो डाका जनी हुई जो चोरी हुई गरीब आवाम का हक छीन कर अपने खजाने भरे गए उसको बदलने का वक्त आ गया

तो मैं समझता हूँ कि इवन आखिरी वक़्त पे भी उनकी जो सपोर्ट है और मैंने कई पीपल्स पार्टी के लोगों से भी बात की है और एक मेरा ख़्याल है कि एक पॉजिटिव चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि वो जब उनसे कहा जाता है कि हर एक का एहत होना है तो अच्छे और बुरे लोग हर पार्टी में मौजूद हैं मेरे ख्याल में अब कौम का मूड बन गया है कि इस मुल्क में हम करप्शन को टॉर्रेट नहीं करेंगे कौम अब ये जानती है कि इस मुल्क में जो तरक्की नहीं हुई है इस मुल्क में खुशहाली नहीं आई है इस मुल्क में अच्छे स्कूल नहीं है पीने का साफ पानी नहीं है काश्तकार को फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, तो ये सारी बुनियादी वजह लूट खसूट है और सबसे बड़ी बात यह है शाजिया जो पाकिस्तान के आवाम को समझना चाहिए एक करप्शन होती है पैसा कमा के लोग मुल्क में रखते हैं तो उससे उतना नुकसान नहीं होता जो पैसा मुल्क की इकॉनमी में को स्टिमुलेट करना है वो पैसा इकॉनमी से निकाल के जब बाहर भेजा जाता है तो इसका मतलब यह है कि आप बाहर के मुल्कों की तरक्की चाहते हैं अपने मुल्क में तरक्की नहीं चाहते इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो जो चार सौ बिलियन डॉलर मुल्क से बाहर पड़ा है इसमें जो भी तरीका एकार करना है उस पैसे को वापस लाना चाहिए अगर वो पैसा वापस आ जाए तो मुल्क का जो कर्जा है वो भी ख़त्म हो सकता है और इस मुल्क में जो है खुशहाली भी आ सकती है अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है और मेरा ख्याल है कि अब कौम तैयार है सुप्रीम कोर्ट तैयार है वाजे कर दें साहब के अभी अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास खुद से इस्तीफा देने का ऑप्शन मौजूद है जब तक फैसला नहीं आता क्योंकि फैसला, अगर फैसला आ गया तो फिर तो जाहिर है वो करना पड़ेगा है मेरा अपना ख्याल यह है कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुद से के ऑप्शन पहले मैं आपको बताऊँ देखना ना ये पिछले कई दिनों से चंद हफ्तों से जे आई टी पे अटैक हो रहे हैं दारों पर अटैक हो रहे हैं और मैंने बार बार अपने हर इंटरव्यू में कहा कि ये अच्छी बात नहीं है या तो ये हो ना कि इनके पास ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम आपको डिस्कालीफाई करते हैं ये कहते हम नहीं होते हम नहीं होते ये जब ऑप्शन इनके पास मौजूद नहीं, नहीं है।, है तो फिर तो तो मान इनको मान अगर ये कहते कि ऑनरेबल वे के चलो जी हम रिजाइन नहीं देते लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो एक मिनट में हम अपने घर चले लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैसला किया है इसलिए ऑप्शन नहीं है मैं पिछले चार हफ्तों से कह रहा हूँ कोई ऑप्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी

वो ही नहीं सकती ये तो ये तो हाईएस्ट कोर्ट है ना इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि डिस्कालिफिकेशन का वो तो वैसे ही उनके हाथ में है और वो जो क्रिमिनल केस है उसको भी खुद अपनी जो है वो इख्तियार दे दिया तो हाँ। नतीजा आता है या नहीं आता फिर उसमें रिव्यू की भी जो है वो गुंजाइश है लिहाजा आप कोई फैसला वहां से किसी अच्छे फैसले तो की तो, तो, फिर, तो ना रखें तो फिर तो हम कह रहे हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करेगा तो फैसला फाइनल होगा तो हिलाई साहब फिर एक ही आखिरी ऑप्शन बचता है सियासत भी बचाने का और अपनी इज्जत से रहने का भी क्या आप इस्तीफा दे रहे नहली से बचने का भी एक ही तरह के तरीके और सियासत से बचने का भी एक ही तरीका है कि फैसला आने से पहले आप रिजाइन कर जाएं। ये ये तो हाँ, ये इतने है, ये इतने ढीठ ढीठ हैं हैं कि ये कभी फैसला नहीं देंगे ये रिजाइन नहीं देंगे अब मगर जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा इन और उनके सामने रखा जाएगा दे विल ओबे और करना भी पड़ेगा मगर मैं आपसे एक चीज कहता हूँ सिंधी बड़े खुश हैं ऑप्शन जो कम हो रहा है करप्शन जो कम हो रहा है सबसे ज्यादा सिंध करप्शन से सफर कर रहा है शाजिया इसलिए लोग बहुत खुश हैं और अगर ये वर्डिक्स हो इनके खिलाफ और भी सिंधी सबसे ज्यादा खुश हो। होगा उनको एक मौका मिलेगा ये जरदारियों को छुट्टी इन, करने की बहुत शुक्रिया जफली लाली साहब शायद लतीफ साहब साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफरी के लिए नाजिन प्रोग्राम के लिए अपना फीडबैक देते रहिए नाइट एडिशन से शाजिया को इजाजत दीजिए आपसे मुलाकात होगी कल अल्लाह हाफि